राजनांदगांव के प्रतिष्ठित संजीवनी प्राइवेट अस्पताल का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रसव के दौरान गलत इलाज के कारण महिला को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाया गया है। यहां पर भारी खर्च उठा रहा है। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया जा चुका है। इसके बाद अनुसूचित जाति समाज के नेता KL टांडेकर ने आज कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया। संजीवनी अस्पताल की लाइसेंस रद्द करने की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन उस महिला का गलत इलाज के कारण वह महिला मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी है। प्रतिदिन उसके इलाज में हजारों रुपए का खर्च आ रहा है। हम इस अनुसूचित राजधानी रायपुर से सटे खरोरा इलाके में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। व्यापारियों के द्वारा खरीदी गई धान की राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से राशि निकालकर अपने ऑफिस आया था, तभी दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात की। घटना में लुटेरे 27,50,000 की राशि ले भागे। प्रार्थी के पिता ने बताया कि यह पैसा किसानों का था। किसानों से धान खरीदी कर राइस मिलर्स को बेचने वाले कारोबारी विष्णु शर्मा से उनके दफ्तर में घुसकर लूट की है। किसानों को देने के लिए बैंक से लेकर आया था। करोड़ा में एक घटना होने के संबंध में जानकारी मिली थी, और जिसमें एक शर्मा जो कि धान खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ व्यापारिक काम करता है, वो अपने घर ऑफिस में आया था, घर तिल्दा से। इसी दौरान दो लोग उसके पीछे से आए और उसके बतावानुसार कट्टा या फिर पिस्टल है वो दिखा करके उसके जो 27,50,000 रुपये था उसको लूट करके भग गए मोटरसाइकिल में। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर CSP क्राइम ब्रांच DSP और क्राइम की टीम और थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुए थे, और जितने भी संदिग्ध जो जितने भी आने जाने का रास्ता है उसमें लगे हुए जो CCTV फुटेज है, इसके अलावा आसपास के जो लोगों से भी पूछताछ किया गया कि उक्त हुलिया के जो आदमी हैं तो वो लोकल होने के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाया है। जो आरोपी है वो बाहर से आकर के घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहे हैं। जितने भी संभावना है और जितने भी टेक्निकल हैं CDR लोकेशन ट्रावल डम और CCTV फुटेज आदि लेकर के क्राइम ब्रांच की टीम और थाना की टीम CSP के नेतृत्व में लगातार उसके अज्ञात आरोपी के पतासाजी के संबंध में लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हो रही बैठक नवा रायपुर में विधानसभा भवन सहित विधायक विश्राम गृह एवं विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास का हो रहा है निर्माण। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत कई दिनों से नई सरकार से की जा रही है, और नई सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजनांदगांव जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार आए। इसके लिए राजनांदगांव के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने और उनके पुत्र एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का आश्वासन भी दिया है। वर्तमान में जिला अस्पताल के नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र के वेंटिलेटर 2 माह से खराब हैं। SNCU के 2 वेंटिलेटर पे खराब हैं, जो पिछले विगत 1 माह से खराब है। उनके सूचना दी गई है बनाने के लिए, सूचना दी गई है। किस तरीके के बच्चों का इलाज होता है? कौन से नवजात बच्चों का इलाज होता है? बच्चे का नवजात बच्चों का इलाज होता है, जो पीलिया बच्चे जो होता है ना, बर्थ पीलिया के कारण पीलिया होता है, उसका इलाज होता है। वो चार पाँच दिन रहते हैं, चार पाँच दिन, कई बच्चे लोग ज़्यादा भी रहते हैं।